वो जो पढ़ी लिखी टर्म है जो कि ब्यूरोक्रेसी ने सियासी क्रेसी को बेवकूफ बनाने के लिए रखी हुई है, उसमें एक है जी मास्टर प्लान के, जी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं, फिर उसके बाद गंदगी प्लान देखें आप, हाँ जी, फिर उसके बाद बदबू प्लान देखें, वो देखें आप, सूरत हाल देख रहे हैं जी यहाँ भाई के हालात जो है वो आप देख रहे हैं। पाँच शहबाज साहब, शाह आलम मार्केट को किसी भी अदारे ने संजीदा नहीं लिया, अगर नहीं लिया है किसने, इंसाफ ने संजीदा ले किस तरह किया, अल्टीमेटली फिर नजर यही आ रहा है कि संजीदगी सिर्फ और सिर्फ रिश्वत कमाने में थी, इसको बेहतर बनाने में नहीं थी। वो जो मास्टर प्लानिंग थी 2021 की वो यहाँ पर क्यों नहीं नजर आई, वो जो मास्टर प्लान 2040 है वो यहाँ पर क्यों नहीं नजर आ रहा, वो जो कमर्शियल जोनिंग के आप कहते हैं कि अगर एक मार्केट के ऊपर बोझ बढ़ जाए तो हम एक नया कमर्शियल जोन मुतारफ करवा देते हैं, तो काम पे लेस्को की जानिब से बाहर रेड़ी लगा दी गई है, टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था ट्रांसफार्मर का और 25 दिन इसे पड़े हो गए, अब और आप 20 सड़क पे जहां ट्रैफिक चौक हो जाती हो वहां इस तरह की सूरत हाल आप देखें तो आप हैरान होंगे। अब जो हमने इतना सफर, अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा कब से आ रहे हैं आप शाला मार्केट? बड़ा जिंदगी गुजर गई जी, 40 कितने साल हो गए, 40 साल हो गए। 40 साल पहले की हालात सन? 40 साल पहले ऐसे बस चलती सी, लाल बस, नहीं नहीं दूसरी बस जी एम्बुलेंस होंगी सी वो चलती सी, इतने डबल डेकर बस भी सी, डबल डेकर सी चलती, सिंगल चलती, खंबे के उत्ते तक वह बोर्ड लगा, उस खंबे के उत्ते जो शू मार्केट की नुक्कर है ना उत्थे अजे तक वह स्लेड लगी है उस बस, समझते वो टाइम के बीच से हूँ तो इतने बस नजाम ही गरम बरम हो, ट्रैफिक फसी इधरों फसी इधर फसी है, बहुत भैड़े हालात उस 40 साल पहले, चाचा इमारत इन्नी उच्ची, 40 साल पहला ऐसे लोग भी नहीं सन, हूँ हर बंदा गर्मी खोर है, तलखी हर बंद किसी को याद थोड़ा सैड तो कर ला, तेन की सैड तो ही है समझते, लेकिन हूँ 40 साल पुत्र गुजर गए इस गल, उस वेले लोग अच्छे सन, इज्जत करते थे, प्यार ना बोलते थे, खलाक ना बोलते थे, बड़े ने खलोते होना ना बस के पिछे, छोटे ने कहना चाचा जी बैठ जाओ, हूँ वो जरा खल मुंडा खलोता होंगे ना वो कहता चाचा जी कदों उठना जी मैं बहना इतने, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, वो जुगनू को दिन में परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, पहले 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 मामा शेर पुत्र जमदिया सी, अकल सी उन्हें, शेर नु लस्सी पींदे सी, आबद शेर अली है ना, मैं वो लस्सी पींदे सी, साड़ी दिहाड़ी दिमाग ताजा रहिंदा सी, ए बर्गर खांदे ने चावां पींदे ने सड़े रहिंदे ने, खाण जो मर्जी लेकिन बुजुर्गों नु सीट ते देण ना, सीट नहीं ना, सीट ते देण कुछ भी नहीं देंदे, देखो ना आखो निजाम, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना ये नियाजी साहब से या वार्डन के, आज से 6 ट्रांसफर हो गए, वो ट्रांसफर हो गए, उन्होंने भी ये नोटिस लिया था, एसडीओ एक्सीएन को बुलाया, कितने दिन हो गए इसको पड़े हुए, 6 माह हो गया सर इसको, ये रोड पूरा ब्लॉक होता है इस वजह से, ये इस वजह से, ये देखो ये शॉप सड़ी है, ये 3 दिन हुए उधर ने देखा है कैमरा मैन, ये 2 दिन हुए, 3 दिन, तीसरा दिन हो गया, और आप कब से इधर काम करते हैं शाला में? हम तकरीबन बचपन हमारे इधर है, तो क्या ये चाचा भी मुझे बता रहे थे अभी 40 साल पहले की बातें, मेरी आप 40 साल पहले की यादें कुछ शेयर कर सकते हैं? बचपन हमारा इधर गुजरा, यहाँ कुछ भी नहीं होता था, ये अब जितना कारोबार एरिया हो गया हमारी खुद रहशे थी और अब भी हैं, लेकिन हम रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी, हम बाहर कहाँ जाएं, अब खुली सड़कें थी पहले, ये ट्रैक जो है कितना खुला था पहले सर, इधर डबल डेकर गाड़ी चलती थी, डबल डेकर के पास GTS चलती थी, ये डी पॉइंट पे जो ये डी पॉइंट है ना, यहाँ से गाड़ी अंदर एंटर होती थी तो उधर सवारियाँ वगैरह होती थी, ये गवर्नमेंट मिशन हाई स्कूल में हम पढ़े हुए हैं रंगमहल में, मेट्रो वहाँ की है हमने, ये तो आपको बता रहा हूँ तकरीबन कोई आज से कोई 85 की बात, 85 में हम तकरीबन 33 साल क्लास में हम थे, 33 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये LDA यहाँ पर, ये जो डी पॉइंट बना हुआ LDA सरकारी, यहाँ पे ठाणा होता था रंगमहल ठाणा, LDA वाले उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, LDA का सामान पड़ा, अब ये LDA का प्लाजा बन गया पार्किंग, अब जो दुकानदार साइकिल पे आता था अब मोटरसाइकिल पे आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर गाड़ियों पे आना शुरू हो गया, एक दुकानदार के 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं जितने हैं वो गाड़ियों पे आते हैं, और जो सेलमैन है वो मोटरसाइकिलों पे अब आते हैं, हर चीज़ चेंज हो गई है वक्त के हिसाब से, तब्दीली के हिसाब से, अब जो है हालात आपके सामने है, आबादी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज़ तो बढ़ गई है, 80 करोड़ आवाम है ना, तो 80 करोड़ मोटरसाइकिल है, इस तो भी ज़्यादा हो, यहाँ तो इन चीज़ों पे पाबंदी लगे ना, दो तीन इन चीज़ों पे पाबंदी लगे, गाड़ियों पे पाबंदी लगाएं, इन चीज़ों पे शाला मार्केट के अंदर ना लेके आए, कारें वगैरह हैं,
अब ये डी पॉइंट बड़ा हुआ है, 2000 गाड़ी लगती है इसमें डी पॉइंट में। अब जहरी बात है आजम मार्केट भी है, शाम फुल हो जाता है, फुल हो जाता है। अब व्यापारी ने आने एशिया की मार्केट, ये एलडीए का प्लाजा है, ये एलडीए का प्लाजा है, एलडीए लेगा पार्क जी, ये एलडीए का प्लाजा है। हमारा तो बचपन इधर है, हम इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही हम क्रिकेट खेलते रहे हैं। ये इमारतें इतनी बुलंद होती थी, इतनी बुलंद नहीं होती, वो पुरानी इमारत है, ये पुरानी इमारत है, ये तो सिर्फ तीन तीन मंजिल है, ये रैशी होती, ये इतना होती थी, ये रैशी होती थी। वो जी परली मार्केट है 100 साल हो गया बनी, वो बाहर पोस्ट बोर्ड लगा वे 2018 हूँ 2018 हैगी है 1918 की बनी हुई, 1918 की बनी है, 100 साल हो गया पूरा उस मार्केट। ये मार्केट का भी पुराना देखे हिंदू दौर का लगा हुआ है, टैग टैग लगा हुआ अंदर लगा हुआ है हर, वो आप देखेंगे हिंदू दौर की टैग है वो। तो ये बुलंदों बाला इमारतें फिर इन्हीं दिनों में बनी, 40 साल पिछले में, 50 साल में जो नई जो बनी है इन दिनों में बनी, ये नई जो बनी है ना इन दिनों में बनी है, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, पहले ये पुरानी इमारतें होती थी और ऐसी होती थी, ऊपर नीचे कारोबार होता था, टेंशन कोई नहीं होती थी दुनिया को, जो ऐसे मर्जी आ रहे हैं। ये डी पॉइंट जो है ये इन इलाकों में हम रात के टाइम अंदर नहीं बाहर नहीं आते थे घरों से, इतनी खामोशी होती थी। आप देख लें रात के 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, वैसे ही रौनक मिलेगी आपको। रात को ट्राले शुरू हो जाते हैं, ट्रक शुरू हो जाते हैं, दिन के टाइम जो एशिया की मार्केट है बाइट से व्यापारी आते हैं, माल वगैरह ख़रीदारी करते हैं, उन्होंने ख़रीदारी करनी। आप पुरानी शालम मार्केट तो बहाल नहीं हो सकती? नहीं, वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये बाईलॉज की जो है उसकी वायलेशन करते हुए प्लाजे जो है ये तो आसमानों से बातें अब कर रहे हैं। सर जी वो तो वक्त के हिसाब से आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, हर चीज़ तो बढ़ गई है, किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? यहाँ तो इस तरह की मार्केट शालम कहीं और बना दें फिर खुली जगह पे। नहीं, इसका हल था अभी सारे के सारे, आप ये देखें, ये चाहिए कमर्शियल जोन नया बनना चाहिए, ये तो एक सीधा सीधा रूल है ना कि जब किसी भी जगह पर ज्यादा बोझ आ गया, चिक्कड़ भी चले जाते जो प्रोग्राम करने वास्ते कंध च भी चले जाते जी, इस चीज़ तो मैं तुम्हें उतर के सलाम किया। हमने जो कब्रिस्तान का गए ना, हमने जो कब्रिस्तान का खाते ख़त्म किए हैं उसका भी हमने देखा है, हालांकि मैं कल गया हूँ कब्रिस्तान वाले साहब की, लेकिन आपकी जो ट्रीटमेंट मैंने देखी है वहाँ खाते तोड़वाने वगैरह की, आपके बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। एक्शन भी होता है और आपकी बात सुनी भी जाती है, बड़े हुक्मरानों तक ये बात पहुंचती भी है, और हमारे दुकानदार तो अल्लाह खैर करे, बस आप चले जाते दरिया रावी के अंदर चले जाते जी, तुम गंदगी इन गंदगी के बीच चले जाते जी। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आवाम को भी रहनुमाई मिलती है आपकी वजह से। मैं इधर था, धुआं उठा, मैंने दुकानदार को बताया, मैं क्या ये धुआं उठ रहा है, उन्होंने बागडोर की फॉर्म इस्तेमाल किया, दुकानों में फॉर्म होता है, हर दुकान पे फॉर्म भरा हुआ है, इस्तेमाल किया, आग बढ़ती रही, क्योंकि शटर थे अंदर की तरफ लॉक लगे हुए, 1122 वाले तकरीबन विद इन 10 मिनट में मैंने खुद कॉल की। किस दिन का वाक्या? ये 4-5 दिन हो गए। अच्छा, बचत हो गई? बचत हो गई, फिर भी उनका नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन बचत हो गई, नहीं तो पूरी मार्केट जानी थी। ये अक्रोचमेंट वाले आए थे ना, उस वजह से उन्होंने जो दुकानें पीछे की, बिजली तारों का इस्तेमाल हुआ है, उस वजह से आग का पता नहीं चला, आग लग गई। पुरानी शालम मार्केट तो नहीं ढूंढी जा सकेगी, नामुमकिन है। ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे किसी टाइम पे ना फुटपाथ होती थी और नीचे से घास होती थी, पुराने टाइम में जब हम छोटे थे घास होती सड़क के दरमियान। हाँ जी, ये फुटपाथ होता था, सेंटर में बेल्ट जो चलती थी, ग्रास बेल्ट चलती थी, और पार्क बनी होती थी सर, छोटी पार्क होती थी, तकरीबन ग्रीन बेल्ट चलती थी। हाँ जी, तकरीबन 3 से 4 फुट का जो है ना वो, ये सारा ग्रीन बेल्ट तोड़ रंग महल तक चलती थी, वो तो बड़ी खूबसूरती में इजाफा करती होगी। फुहारा चौक देख रहे ना, फुहारा बाग, ये इनके फुहारे हमने देखे हैं चलते हुए, इनके शावर चलते थे, अब वो चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हालांकि हमने खुद अपने रहशियाँ दी, हमने अपने मकान वगैरह बेचे हैं, एक आधा दो हैं, हमने रहायश भी चेंज की, क्योंकि कमर्शियल एरिया होकर रहने वाले के काबिल नहीं है, तो सारा कमर्शियल हो गया। ये कमर्शियल हो गया। अब ये हालात इसके आप समझते हैं कि पार्किंग प्लाजे अगर बने तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? पार्किंग प्लाजे सारे का सारा जो सामान कौन देगा पार्किंग प्लाजे के लिए, चले कौन देगा? करोड़ों रुपये की जगह गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट करे, एक LDA का बना था, 2000 गाड़ी लगती है, फिर भी ये थोड़ी है। सियालकोट के ताजरों ने तो मिलकर एयरपोर्ट बना लिया था अपने लिए,
इधर ताजर बरादरी क्यों इस तरह कॉपरेट नहीं करती? यहाँ पे जो के साथ मिलके वो एक यहाँ पे जो पोजीशन है सेटिंग प्लान बना के मामला तय किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है ना, इधर अगर पार्किंग प्लाजे बने, खूबसूरती होगी, जगह होगी आने जाने की, तो किसका फायदा? जिसकी दुकान है उसका फायदा। पास से पास आप सिर्फ पार्किंग प्लाजे नहीं, आप अपने आज के पूरे प्रोग्राम का क्रक्स निकालें। LWMC की गफलत, कूड़ा पड़ा हुआ है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गफलत, इंक्रोचमेंट है, LDA की गफलत, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी की गफलत, उन्होंने इसको रोका नहीं है, लेस्को की गफलत, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, सिविल डिफेंस की गफलत, यहाँ पर फायर अलार्म मौजूद नहीं है, इंडस्ट्रीज की गफलत, यहाँ पर उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया, तमाम इदारों की तो यहाँ पे गफलत है। किस जगह पे किसकी कारकर्दगी नजर आ रही है? सिर्फ और सिर्फ पार्किंग प्लाजे नहीं, तमाम अदारों को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर इस शाह आलम की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं नजर आ रहा। अक्रोचमेंट वाले आए हैं, उन्होंने जगह पीछे करवाई है, मलबा वैसे ही पड़ा हुआ है दुकानों के आगे, मलबा कोई नहीं आया। मोची गेट के साथ देखें, पार्किंग में जाके पार्क में जाके गाड़ियां लगा रहे हैं। क्या हाल है आपके? कब से इधर रहते हैं आप? मुझे 10-12 साल हो गए। तो कितना फर्क पड़ा 10-12 साल में शालम मार्केट में? थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा। इससे पीछे ये इमारतें बुलंद होती गई, ये तो ज्यादती कर रही है ना, इसलिए इमारतें बुलंद होती गई। पुराने जी शालम को और शालम मार्केट को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सरगोशियाँ सुन रहे हैं, लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की यादें जो हमसे शेयर कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि शालम मार्केट जो है 1934 में और उसके बाद इंतहाई खूबसूरत ये एरिया था, और ग्रीन बेल्ट सड़क के दरमियान से तकरीबन 4 फीट चौड़ी ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी। यहाँ गिर्दोनवा में फुहारे चला करते थे, लोग जो हैं ठंडी हवा का यहाँ लुत्फ उठाते थे, डबल डेकर बस का लुत्फ उठाते थे, और इतने ज़्यादा खूबसूरती और रानाई का माहौल था जो अब नहीं मिल रहा। और इसकी बड़ी वजह शालम मार्केट में तजावजात की भरमार और सबसे बढ़कर पार्किंग प्लाजों का ना होना, ये एक बहुत बड़ी दलील है जिसकी वजह से शालम मार्केट जो है वो अपना रूप जो है उसे बरकरार रखने में और अपनी जो असल शक्ल थी उसे बरकरार रखने में नाकाम है। और ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है अगर इस पर फिलफौर एक्शन लेते हुए पार्किंग प्लाजा कायम किए जाएं और जितनी जगह वागुजार करवाई गई है और जो और भी तजावजात के मामलात हैं उनको कड़े एहतसाब से गुजारा जाए, और सबसे बढ़कर जो यहाँ बाई लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए वो वॉल सिटी हो या LDA हो, उनकी तरफ से जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जियाँ की गई और यहाँ बड़े पैमाने पर बुलंदोबाला जो हैं इमारतें और प्लाजा तामीर किए गए उनका भी नोटिस लिया जाना चाहिए ताकि शालम मार्केट की जो असल शक्ल है उसको बरकरार रखा जाए। अदरवाइज सूरत हाल वही है कि उसे कैसे बताऊँ मैं कि वो इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुँचा, मगर जब भी पहुँचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियाँ होगी। फाज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अलन के बाद।